आपका दोस्त अशोक शर्मा। आजकल आप जहां भी जाएं, लोग पीएनबी फ्रॉड के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। पान की दुकान, मेट्रो, बस, सब्जी लेने जाएं या कहीं यूं ही मित्रों के बीच में बैठें, अक्सर लोग एक बात कर रहे हैं कि पीएनबी में 11,300 करोड़ का घोटाला हो गया, नीरव मोदी पैसा लेके विदेश भाग गया। आखिर क्या है ये घोटाला? आपको मालूम है पंजाब नेशनल बैंक जो है लगभग 123 साल पुराना बैंक है। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय और सरदार मजीठिया साहब ने की थी। ये 12 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। 123 वर्षों के समय में इस बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टीशन के दौरान भी इस बैंक ने आने वाली मुश्किलों को बड़ी आसानी से और बड़ी बखूबी निपटा था। आज ये हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। आज हम बात करेंगे कि पीएनबी फ्रॉड क्या है, ये कैसे हुआ, LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, स्विफ्ट किसे कहते हैं और उसका क्या असर होता है, CBI ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं और पीएनबी ऑफिसर्स का क्या कहना है आगे के लिए। पीएनबी फ्रॉड क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ऑफिशियल्स ने CBI में कंप्लेन की कि बैंक में लगभग 280 करोड़ का घोटाला हुआ है और उन्होंने इसलिए सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड, डायमंड RVS जो कि नीरव मोदी से संबंधित कंपनियां हैं, इनको नामजद किया। इसमें इन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो कि गीतांजलि के मालिक हैं उनको भी नामजद किया। तो कैसे हुआ ये घोटाला? बैंक के दो जूनियर कर्मचारियों ने पीएनबी बैंक मुंबई की एक शाखा से इन लोगों को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में मदद की। वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बिना किसी वैलिड सैंक्शन क्रेडिट लिमिट के दिया गया। फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उन्होंने एक 11,300 का लगभग फ्रॉडलेंट और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का पता लगाया है और उसकी रिपोर्ट CBI को की। बैंक के जूनियर एम्प्लॉयज़ ने किसी तरह ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको प्राप्त करने में मदद की। विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों से शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन लेने के लिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये जो फ्रॉड पंजाब नेशनल बैंक में हुआ, इसे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मिसयूज करके प्रयोग किया गया। ट्रेड फाइनेंस बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ओवरसीज सप्लायर को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए। जब कंपनियां अपने बैंकों से अप्रोच करती हैं कि हमें इस तरह का पैसा चाहिए और डेजिनेटेड ऑफिशियल से बात करती हैं, तो डेजिनेटेड ऑफिशियल कंपनी की क्रेडिट लिमिट को देखते हुए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करते हैं। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह की एक अंडरटेकिंग होती है बैंक के द्वारा, एक तरह की गारंटी होती है ओवरसीज इंडियन बैंकों की ओवरसीज ब्रांचेज के लिए कि बैंक उस कस्टमर की गारंटी लेता है कि आप इतने पेमेंट कीजिए। अगर कस्टमर आपको उतने पेमेंट वापस करने में असमर्थ होगा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। जब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैंक द्वारा जारी कर दिया जाता है तो उसका मैसेज स्विफ्ट के द्वारा विदेशी बैंक को भेज दिया जाता है। अब आप पूछेंगे ये स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है जो कि लगभग 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रयोग की जाती है लगभग 200 देशों में। जब एक बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिया तो वे स्विफ्ट के द्वारा दूसरे बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय बैंक को सूचित करता है। आज तक स्विफ्ट एक बहुत ही रिलायबल मीडियम माना जाता है जिसमें आज तक कोई भी फ्रॉड जो है रिपोर्ट नहीं किया गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस स्विफ्ट का पंजाब नेशनल बैंक के
संदर्भ में किस तरह प्रयोग हुआ। दोस्तों, स्विफ्ट जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या आपके बैंक आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है किसी भी फर्म की और किसी भी तरह का और जो बैंकिंग से रिलेटेड डाटा होता है वो CBS के द्वारा सब ब्रांचों में पहुंचा दिया जाता है। और जैसे ही आप स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑटोमेटिकली CBS के द्वारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और सबको उसके बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है और उन्होंने कितनी प्रयोग कर दी है। ये जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं स्विफ्ट के द्वारा या जैसे भी ये ट्रांजैक्शन जो की जाती हैं वो रीजनल मैनेजर्स द्वारा मैनेज की जाती हैं और फिर उसके बाद ये जनरल मैनेजर के द्वारा की जाती हैं अमाउंट को देख के या क्रेडिट लिमिट को देख के उनकी जो सत्यापना है या असेसमेंट है वो जनरल मैनेजर्स के द्वारा की जाती है। और अमाउंट अगर एक हद से बहुत ज़्यादा हो तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा इसको सत्यापित किया जाता है। पर नीरव मोदी के केस में ये हुआ कि उन्होंने स्विफ्ट को डीलिंक कर दिया था CBS के। CBS से स्विफ्ट को डीलिंक करने से ये हुआ कि जो भी उन्होंने स्विफ्ट के द्वारा क्रेडिट लिमिट के लिए सर्टिफिकेट इशू कराए, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करवाए, वो CBS में दिखाए नहीं गए। और CBS में ना दिखाने के कारण उसमें उनकी क्रेडिट लिमिट का पता नहीं चला और वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसों की लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गारंटी लेने में सफल रहे। इस सब के बाद CBI ने पंजाब नेशनल बैंक के 2 कर्मचारियों गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरात को भी इसमें फ्रॉड करने के आरोप में, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर कहता है कि इस घोटाले का पता लगने के बाद नीरव मोदी की लगभग 21 लोकेशन में स्थापित कंपनियों में छापे मारे। वहां से उन्हें लगभग 5,670 करोड़ के सोना, कीमती पत्थर और जेवरात मिले 18 फरवरी को। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूरे देश में 50 जगहों पर भी छापे मारे, गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत भट्ट जो कि नीरव मोदी के सहायक हैं उनको भी CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने गीतांजलि ज्वेलरी रिटेलर जो है, गीतांजलि ब्रांड का जो हीरे के जवाहरात बनाते हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को भी इसमें एक पार्टी बनाया है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के अलावा। गीतांजलि जेम्स के 2 जो बड़े एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना इस्तीफा 19 तारीख को दे दिया। कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत करकरे और कंप्लायंस ऑफिसर पंखड़ी वरंगे ने 19 तारीख को रिज़ाइन कर दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका कॉन्शियंस उनको अलाउ नहीं करता कि इस रोल में इस कंपनी के साथ वो जुड़ के काम करें जो कि इतनी फ्रॉडलेंट कंपनी है। यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड एक्सिस बैंक जो हैं वो भी इस फ्रॉड से किसी तरह जुड़े हुए थे। यूको बैंक कहता है कि उसका भी पंजाब नेशनल बैंक के लेटर ऑफ गारंटी के थ्रू लगभग $412 मिलियन इसमें पेमेंट फंसी हुई है। उसी टाइम इलाहाबाद बैंक कहता है कि उनकी भी लगभग 2000 करोड़ की पेमेंट जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के पास है। एक्सिस बैंक कहता है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन में इनके साथ व्यापार किया था और उनके पास लेटर ऑफ गारंटी थे पर उन्होंने अब उनको बेच दिया है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो उनका व्यापार था उन्होंने उसके अधिकार किसी और को बेच दिए हैं। इस सब के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर का प्राइस गिर गया है। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने आपस में नीरव मोदी ग्रुप और गीतांजलि ग्रुप के साथ दिल्ली और मुंबई में मीटिंग्स की हैं ताकि उनसे वसूली की जा सके,
और जो भी उनका पैसा इसमें फंसा हुआ है उससे को वसूल किया जा सके। उन्होंने इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो हर डॉक्यूमेंट को जो कि ज़रूरी हैं उनको प्रोवाइड करवाएं, ताकि इस बात की सत्यापना हो कि उन्होंने जो भी इम्पोर्ट किए हैं वो बोनाफाइड ट्रांजैक्शन थी या किसी तरह की इलीगैलिटी उस बारे में थी। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ सुनील मेहता कहते हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी में वापस आने में और नॉर्मलसी लाने में लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा और वो इस समस्या से उभर आएंगे। आशा करते हैं कि वो अपना पैसा भी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से वसूलने में कामयाब हों।